And then, this happens. Do you think there is a cure? फेर की शुरुआत होती है पेरिस में सैम नाम की एक लड़की को दिखाने से जिस कहानी का मेन है है सैम पेशे से एक म्यूजिशियन यानी कि गाने वगैरह गाता बजाता है उसमें कई सारे गाने बनाए लेकिन बदकिस्मती से आजकल उसके दिन खास अच्छे नहीं चल रहे अब हमने देखा थी सैम एक पार्टी में आया और जिस घर में ये पार्टी चल रही थी वो सैम की पुरानी दोस्त का था अब इसका कुछ सामान अपने इस दोस्त के घर पर रह गया था जो ले की नहीं वो आज यहाँ पर आया था उन चीजों में सैम की कुछ पुरानी जरूरत टेप्स भी थी जो उसे अर्जेंट चाहिए थी अब जब सैम की वो दोस्त उसे मिलने आई तो वो कहता है तो ने मुझे बताया नहीं आज तुम दिखकर कोई पार्टी रखी है वो क्यूँकी तो मुझे बुराना नहीं चाहती थी तो मैं ऐसे उठकर आ गया मुझे पहले ही बताती थी, थी मैं किसी और दिन आ जाता उनकी बातों की दोस्त का एक और दोस्त वहाँ पर आ जाता है की जगह मेरी सावी ने तुम्हें किसी से माना है ना कर सेंटी दोस। उसे दोस्त उसे कहती है सेम अगर तुम आ ही गयी हो तो कुछ देर यही रुक जाओ पार्टी एंजॉय करो नए नए लोगो से मिलो वायर मोटी हो जाएगा तुम्हें काफी अच्छा लगी था जिस पर सैन कहता है की भाई शुक्रिया मोर वैसे भी नए नए लोगो से मिलने का मुझे कोई शुभ नहीं है मैं बस अपनी टेप और सामान लेकर यह से जाना चाहिए तो दो उसके दोस्त पास से ये कहकर चटी गई चेहरे को इंतजार करो मैं वो सामान लेकर आती और तो इसलिए अब सैम सोफी पर बैठ कर उसके वापिस आने का इंतजार करी लगा उसने किया रही वो मेरी बात पर नजर कर करके अपने दोस्तों के साथ में शुरू है जिसके बाद वो अपने एक दोस्त को लेकर कमरे में चली जाती है जो चीज सैम ने भी देख ली थी उसे बहुत बुरा लगा और ये मेरे टेट ना ना कर ऐसी चढ़ी रही है अब कुछ देर और इंतजार करने के बाद उससे आ गया इसलिए वो अपने दोस्त के पास गया उसे उसी है ये तो क्या कर रही है मेरी सारी हो मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता मुझे मेरा सामान दो मैं यहाँ से चला जाऊंगा उसकी दोस्त के है की तुम्हारा सामान बिल्डिंग की दूसरी साइड ऑफिस में पड़ा है तुम वहाँ जाकर अपना सामान देखो और वायरों रुक मैं इंतजार भी करना क्यूँकी मैंने तुमसे कोई बात करनी है मैं आती हूँ वहाँ पर अब जब सेम ऑफिस की तरफ जा रहा था तो उसके टक्कर एक आदमी से हो गई जिस वजह से उसकी नाक पर चोट लग जाती है लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज करके ऑफिस के अंदर आ गया अपना सामान चेक करने लगता है इंजन में म्यूजिक पेप्स और केसर अब वो देखता है कि चोट की वजह से मैं नाक से खून आ रहा है उसने नाक पर कपड़ा रख लिया वो सोफे में बैठ जाता है खून को रोक सकी लेकिन इसी बीच उसने आँख लगी पे बाहर लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे और फिर कुछ ही देर में उन सब की चीखों की आवाजें सुनाई है जो आवाजी सैम नहीं सुन पाता क्योंकि वो गए नींद में सो रहा और अब अभी सुबह जैसे की आंख खुली वो देखता है भी मैं पूरी रात इस सोफे पर ही सोता रहा वो अब उठा अपना सामान लेकर जैसे वहां से बाहर आया आस पास की हना देख उसके होश और जाते ही वो डॉ काफी डर भी जाता है क्योंकि चारों तरफ चीजें रोटी बिखरी हुई पड़ी थी दीवारों पर जमीन पर हर तरह उन्हें खून लगा हुआ था वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है वो सोचता है क्या पता फिल रात सबकी आपस में लड़ाई हुई हो और एक दूसरे को उन्होंने ऐसी माना जिसके बाद भी भी मचा दी और हुए वो वो आ है सब कुछ समझ से बाहर था तभी वो सामने स्टूडियो में अपने दोस्त को बैठा हुआ देखता है वहाँ भी दीवारों पर खून बने हाथ लगी हुई थी और अब जैसे सैम ने अपनी दोस्त को आवाज दी वो उसकी तरफ देखती है जो बहुत ही ड्रोवरी लग रही थी क्योंकि उसके आँधे अजीब से ये तीन चेहरे पर खून लगा हुआ था और अजीब सा कट बना हुआ था और अब वो बुरी तरह से अपना पेंट्रोल खोकर सैम की तरफ बढ़ने लगती है हमला करने के लिए की भी अब वो इन्फेक्टेड थी यानी बीमार किसी वायरस का शिकार हो गई थी अब उसकी ऐसी हालत काफी देख कर जल्दी दे है। से दरवाजे को बंद कर देता है अब के पास आया और देखता है की सामने वाली बिल्डिंग में भी उसके दो जैसे इन्फेक्टेड लोग है जो भी अपना कंट्रोल खोकर अजीब तरह ऐसी बर्ताव कर रहे हैं जिससे यहाँ पर पता चला सभी इन्फेक्टेड इसलिए है वो अब जो में वायरस का शिकार है जिसके लपेट में आकर सब ये जो बन रही है वो काट काट कर अपने जैसे जोमे बना रहे हैं जिस वजह से हर तरफ तबाह मची हुई थी खून पहना हुआ था तब उसकी नजर एक सामने पर थी जो गाड़ी में बैठ कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी जोबी ऐसी बचते हुए वो गाड़ी में तो बैठ गई थी लेकिन बद की स्मृति से बहुत सारी जो देख चुके थीटिंग में जाने का है। और अब देखते देखते ही सारे एक साथ आकर उनकी गाड़ी पर छपट पड़ती और लोगों को बाहर निकाल निकाल कर काट कर अपने जैसा इन्फेक्टेड कर लेती ये देखकर जैसे वो छोड़ गई उसे दुख तो हुआ लेकिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था ये मैं शहर में चाहे तबाही देख रहा हूँ जहन में कई सारे सवाल उठ रही थी या फिर एक ही रात में ये सब कैसे हो गया एक वक्त मिटो से ऐसे लगा जैसे ये सब मेरा बुरा सपना हो लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया ये कोई बुरा सपना नहीं बल्कि सच है थोड़ी देर के बाद पड़े पर हुए कपड़ों में से मोबाइल निकालने लगता है ये कपड़े असल में में पार्टी में आने वाली सब डुकती थी सेम और सबकी से मोबाइल में वॉइस मैसेज सुनता है जो उन लोगों को उनके प्यारों की तरफ से, से आई थी वो बातें सुनकर सेम काफी चुस्पाती हो गया क्योंकि वॉइस मैसेज भी जैसा उसने सुना उसे अंदाजा हो गया था ये अब शायद दुनिया पर सी पूरी इंसानियत का खात्मा होने वाला है जिस के बाद वो छत पर भी है। देखता है ये पूरे शहर का ऐहसा वो वो खुला गया उसे समझ नहीं आती कि क्या की क्या करूँगा फिर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि जब तो कोई मदद नहीं आती मैं यही पर इस बिल्डिंग में ही रहूंगा इसने वो वहाँ बिल्डर खून को साफ करने लगता है ये सोचकर मैं भी दिखाई ना हो जाऊँ और बाद में जो बन जाओ अब सफाई करते हुए उसे नीचे वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आने दिखती है वो कान लगा कर जैसी सुनने की कोशिश करता है तो अचानक गोदी चलती है जिससे एकदम डर कर वो पीछे चढ़ जाता है और वो बोनी इस फ्लोर के आर पार हो गई और इस वाले फ्लोर का थोड़ा सा इसे टूट जाता है जहाँ पर सेम था और अब सेम फ्लोर के चीज से देखता है की नीचे एक बुरा आदमी था उस धीरे धीरे अपनी जान देने के लिए खुद को शूट किया है हम लोहे का एक रॉड लेकर सेम स्नोर को और तोड़ने लगता है इस उम्मीद के साथ की शायद नीचे वाले फ्लोर से मुझे खाने पीने का ये जरूरत का सामान ही मिल जाए नीचे आकर तो देखता है की इस बुढ़े आदमी की वाइफ भी मोर हो गई थी यानी की वो भी जो भी बन गई थी तो इसलिए बुढ़े आदमी ने पहले उसे शूट करके मार दिया जिसके बाद खुद को भी शूट करके अपनी जान ले ली अब सेम बुढ़े आदमी की लाश पर भी कपड़ा डाल देता है उसके घर लेकर की तरफ आगे बढ़ने लगा बाहर आकर वो देखता है की वहाँ पर बहुत सारे खड़े हुए हैं अब इससे पहले वो अंदर आती से धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेन दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है किचन में से उसे शराब की एक बोतल मिल जाती है और वहाँ पर थोड़ा सा खाना भी जिसे वो खा लेता है साथ में उसे घंटी और भी कई सारी गोडिया मिल जाती है जिनको भी वो अपने पास रख लेता है जिसके बाद वो बया बिल्डिंग के ऑफिस जहाँ उसे खाने का बहुत सारा सामान मिल जाता है क्यूँकी उसे भूख लेती थी तो वो यहाँ पर कुछ खाना खा लेता है अब ऑफिस में इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर की वहाँ पर चाबियां लटकी हुई थी जिसे सबको वो दे देता है और फिर एक फ्लोर की चाबी से उस फ्लोर को खोल के अंदर चला दिया ताकि यहाँ से भी खाने पीने और जरूरत का सामान इकट्ठा कर सके वो सोचता है की जितना हो सके उतना ही खाना मेरे जमा करना है वे जरा भी अंदाजा नहीं था ते वो यहाँ पर कब तक रुकने वाला था और अब जब वो इस घर में आया था उसे पता चला यहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग है इस फेमी की है वो इस जवा आरोप छुपे हुए थे और अब वो सैम्पो पकड़ के उस पर हमला कर देती है अब इससे पेरी वो सैम्पो काटते हैं वो जैसी तैसे उनसे बचकर वहाँ से बाहर जाता है और जाते जाते उसने उस घर पर निशान बना दिया था यहाँ पर नहीं जाना क्योंकि यहाँ खतरा है, जिसके बाद अब वो एक दूसरे घर में एक कमरे में उसे और कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं अब इस घर की बात से अपने घर में वापिस आ जाता है वो म्यूजिक पे और केसेस उठा कर बैठ गया कायन गुजारने के लिए वो उनमें से कुछ केसेस रखता है उसे काफी अच्छा लगा और ऐसे टाइम पास होकर उसका पहले दिन गुजर जाता है अगली सुबह वो देखता है की लिफ्ट में एक बुरा आदमी है जो भी बन गया है अभी वो सैन के पास गई थी अभी वो चाहता तो इस बुरे आदमी को मार सकता था, था और उसे इस पर तेरह साल गया था क्योंकि ये बुरा सोम्बी उसे खतरनाक नहीं लग रहा था और यहाँ से हम लिफ्ट के दरवाजे पर अपने बेड को बांध देता है ताकि वो लिफ्ट से बाहर ना सके और अब वो दोबारा से उस वाले फ्लोर पर जाकर वॉकर ड्रम मजाने लगता है वो काफी इंजॉय कर रहा था वह उसे इस बात का अंदाजा नहीं था इस आवाज को सुनकर बहुत सारे ध्यान इस फ्लोर की तरफ हो भी आए और वो एक साथ इसके दरवाजे पर आ भी है अब के पी के पास जाकर ये ट्यू जब उसने देखी वो वापिस से अपने फ्लोर में आ जाता है लेकिन तबीयू ऐसी अजीब तरह तो की गंदी सड़ी आरोप बुलाने लगती है क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में जो नाशी थी वो अब सरने लगी पहले तो सैम इन नाशो को एक करके जाने लगा था कि वो इन फेंक तो कर टिकाने लगा सकी लेकिन तबियो ऐसी ख्याल आया तो ये इंसान ही न तो मैं इन्हें ऐसी कचरे की तरह नहीं फेंक सकता थोड़ा सोचने के बाद वो उन दोनों लाशों को वेट पर लिटा देता है लाशों को भी उसने अच्छी तरह से पेट दिया था फिर कमरे को भी डॉक करने की बात अच्छे से सील कर दिया ताकि बदबू बाय ना सके रात पर जब वो सो रहा था तो उसे किसी के बादल की आवाजी आती है ये आवाजे कमरे बाहर दरवाजे के पास ही आ रही थी तो वो जल्दी से गेंद देख उसका रुख दरवाजे की तरफ कर देता है जैसे उसकी गोरी चलाई गोरी चिलती नहीं और तभी वो जोबी जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है एक सर झपट कर उन्होंने सैन पर हमला कर दिया देखकर अचानक की आंख हुई भी यानी की ये सब कुछ उसका बुरा सपना था और ऐसे ही करते करते कुछ दिन और गुजर जाती है जय वक्त के साथ साथ सेम और उस बूढ़े जोम्बी की दोस्ती हो गई थी जिस वजह ऐसी घंटो वंटो उसे बातें किया करता था यहाँ पता चला बुरा आदमी भी डॉक्टर ही था सैम कहते है की दुख मुझे इस बात कि मुझे पता ही नहीं तो ये सब कुछ कैसे हुआ और इसके पीछे वजह क्या है ये क्यों हुआ मुझे ये भी नहीं देखता कि इन हालात में मेरी माँ जिंदा बच पाई हो लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि वो कैंसर या फिर किसी और खतरनाक बीमारी से नहीं मरी बल्कि तुम्हारी तरह इस जोम्बिक वायरस से मरी हुआ अब एक दिन सैम अपनी गन से बाहर जोम्बिस पर निशाने लगा रहा था टाइम पास करने के लिए ताकि उसका थोड़ा चल वक्त गुजर सके लेकिन तभी वो दूरबीन में एक बिल्ली को बाहर देख लेता है उसे बिल्ली आरोप तरस आया तो वो उसे पकड़ने के लिए जल्दी से नीचे आ जाता है वो उसे खाना निकाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग गयी अब सैम बचते बचाते छुपते हुए माँ आ ही चाहते हैं और देखता है कि मेरे आस पास बहुत सारे जोम्बिस है जिनकी नजरों से बुझती हुए वो आगे बढ़ता रहा लेकिन बदकिस्मती उसे बहुत सारे जोम्बिस देख रही थी और आकर उस पर हमला कर रही थी लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी उसने जैसे तैसे खुद को छुड़वाया और जल्दी से भाग कर वो वापसी बिल्डिंग में आ जाता है अंदर आकर वो देखता है कि जमीन पर खून की कुछ बोंदे पड़ी हुई है और वो जब चेक करता है तो उसने देखा कि मेरे पैर पर चोट पड़ी हुई है पर वही से एक ऊन बेहरा और वो ये सोचकर काफी डर जाता है कि मुझे जरूर किसी सी जोम्बी ने काट लिया होगा वो काफी डर जाता है उसे कुछ समझ नहीं कि मैं क्या वो कर रही होकर बनना नहीं चाहता था मगर जल्द उसी तरह तसंदी हो गई उसे पता चल गया था तो ये बस आम सी चोट है जो उसे बागते वक्त थी सारे हालात की वजह से सैन काफी परेशान हो गया था तो टर्न वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है अपने जगह के नीचे रख रही थी लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी की वो खुद को शूट कर पाता बल्कि वो तो पावरियों की तरह हंसने लगा जो देखने से लग रहा था की अकेले रहने की वजह से सैन का दिमागी तो खराब होता जा रहा है उसे अक्सर लोगों की आवाज़ी सुनवाई दिया करती थी अब जाहिर है अकेले इंसान का गुजारा नहीं हो सकता तो उसे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा तो और भी इनसे जब वो बाहर देखते है तो उसे पता चला ये बाहर जो जोबिस थे वो भी यहाँ ऐसी और ही जा चुके हैं और उसके अलावा यहाँ आस पास और कोई भी नहीं है से ड्रम वाली कम्युनिटी जाकर एक बार फिर शोर ऐसी ड्रम बजाती रखता है अब इस चीज से एक बार फिर जोम्बिस का ध्यान इस बिल्डिंग की तरफ आ गया और वो फिर ऐसी बाहर आकर जमा आ जाती है अब सैम ने ऐसा इसलिए किया क्यूँकी अकेलेपन की वजह से उसे डर लग रहा था वो चाहता था की बिल्डिंग के आस कोई होना चाहिए चाहे वो इंसान हो या जोम्बिस की ये चीज उसके लिए खतरे बारी थी लेकिन वो कामयाब हो गया था इतने सारे जोबिस बिल्डिंग के पास आ गए थे तो वो उन्हें देखकर खुश तो उसे जल्दी से उठाकर घर के अंदर नहीं आता है उसके जिसम से सारी गोलियां निकाल कर मनम पट्टी कर देता है सेम काफी दुखी हो रहा था की कहीं इस लड़की को कुछ हो ना जाए लेकिन कुछ दिन के बाद हमने देखा की वो लड़की बच गई है और अवेदी से काफी बेहतर हो गई है वो यहाँ अपना नाम सेरा बताती है सेम उसे कहता है वे तो ये सोच सोच पर पावर हो रहा था मैं सिर्फ एक लोदा ही जिंदा पहचाऊंगा लेकिन शुक्र के तुम भी जिंदा हो और मुझे मिल गई हो और अब मेरे ख्याल से हम दोनों ही जिंदा बची हुई सहरा कहते है की नहीं हम जैसे और भी कई सारे लोग जिंदा बचे हुए लेकिन मैन या वो लोग मार साथ ही सो जोर से चिंदाने भी रखता है लेकिन जैसे ही रात हुई सैन को फिर से अजीब तरह की आवाजियाँ उसे महसूस होता है की दरवाजे के उस पार कोई है वो सोचता है की जरूर कोई जोंग भी होगा इसने वो बैल लेकर दरवाजे की तरफ शोर कर देता है दरवाजा खोल कर वह देखता है की वहाँ पर कोई जोंग नहीं बल्कि एक लड़की थी जो गोली रखनी से काफी जख्मी हो गई थी वो अधमरी आदत में वहाँ पर पड़ी थी उसे देख कर काफी हुई साथ ही अपने टी आरोप पछतावा भी हो रहा था मैंने क्यों समझी। ने दी ये लड़की मरना चाहिए मैं एक बड़ी से दूसरी में और दूसरी से पर तीसरी में ऐसे आगे बढ़ती रहती हूँ से खुश था ये सोचकर रे शुक्र है कम अज कम कोई ऐसा तो जिससे मैं बात कर सकता हूँ लेकिन अब क्यूँ इन दोनों को खाने की कमी थी इसलिए सैम उस घर में जाता है जहाँ पर उसने निशान नाया था यहाँ पर नहीं आना खतरा है क्यूँकी वहाँ जो फैमिली थी अब घर निकल सैम अंदर जाकर को शॉर्ट कर देता है और यहाँ खाने पीने का जरूरत का सामान ढूंढने लगा जहाँ खुशकिस्मती से उसे खाने का वो सारा सामान मिल भी जाता है हम जब वो वापिस आकर देखते हैं तो घर पर सेरा नहीं थी जिससे वो परेशान हो गया जल्दी से छत पर भागता है जहाँ उसे सेरा दिख जाती है वो बताती है की मैं तो बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी लगे तुम और मैं यहाँ से निकल जाए ये सुनकर सैम कहते हैं क्या हो गया तुम्हें क्या तुम पावर और जानती नहीं होगा पूरा ये शहर जो से भरा हुआ है अभी हम बाहर जाएंगे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है यहाँ कम अज कम हम महफूज तो है सेरा कहते हैं की बिल्कुल भी नहीं हम यहाँ महफूस नहीं है वो जोबिस कभी भी, भी यहाँ पर घुसकर हम पर हमला कर सकते जो गोली मुझ पर चलाई थी उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे जोबिस इस बिल्डिंग के आस पास ही घूम रहे हैं एक ना एक दिन तो वो हमला कर ही देंगे दादो हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा कहते अच्छे चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं पर तुम इतने तीन साथ कैसे कह सकती कि इस बिल्डिंग से जाने की बात हमें कोई खतरा नहीं होगा जिस पर सहरा कहती है की सुनो मेरी बात देखो अगर हम यहाँ पर ही रहते रहे वैसे भी अकेले पंची बजे से हम पावर हो जाएंगे या फिर खाना पानी खत्म हो जाएगा हम भूखे मारे जाएंगे एक ना एक दिन जोबिस की हाथ हमने मरना ये दो अब मेरी सलाह ये है की भाप से हम ऐसा रिस्सी की सारे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर आरोप लगाएंगे और फिर ऐसे करते करते हम भाग जाएंगे इसके लिए मना कर देता है जो सुनकर सैरा को गुस्सा आ गया और वो यहाँ से चली जाती है अब कुछ के बाद भी वापिस आ गया जिसका मुझे थी वो उसके दरवाजे पर दस्तक देता है वो उसे माफी मांगते हुए कहता है मैं तुम्हारी बात मान मानी तुम जैसा कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा साथ देने को तैयार हो अब जब से बाहर आ जाओ अब ऐसे ने सेम ने और भी कई सारी बातें दी सी सेना का कोई जवाब नहीं आता को भाजपुर दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ता है जो अचानक ही अब सेम को कुछ युवा दिखता है और अब जब वो अपने कमरे में गया तो हमें वापस की नाश दिखती है जिसका बुरा हाल था वो सर चुकी थी असल में सेना तो उस रात ही उबड़ चुकी थी जब सेम ने उसे शूट किया था उसे इस बात की शर्मिंदगी थी की मैं उसे नहीं बचा सका और अब तक सेम जिस सेना के साथ था वो तो उसकी इमेजिनेशन थी यानी की उसका ख्याल उसने ऐसी ख्याली दुनिया बना ली जहाँ पर उसे सेना मिली ऐसा लिए हुआ अकेलेपन की वजह ऐसी उसका दिमाग इस तरह से काम कर रहा है जो उसने अपने दुनिया बना ली लेकिन सेरा का उसे दिखना एक वजह भी थी जो भी सराहरा ने उसे समझा दिया था की यहाँ से भागना कैसे है इसलिए अब वो इस बिल्डिंग से जाने का फैसला करता है उसका दिमाग वैसी भी उसे बार बार ही समझाने की कोशिश कर रहा था तो मैं हिम्मत नहीं आनी चाहिए सेम रही खुद को एक मौका देना चाहिए यहाँ से बाहर निकलो फूर्न यही पड़ी पड़ी तो मारे जाओ भी और क्यूँकी सेम पक्का फैसला कर चुका था इसलिए वो अपनी सारी टिप्स जो उसकी यादें थी उनको आग लगा देता है और क्यूँकी इन टीप ऐसी उसका मजदूर हुआ था और के जल्दी ही उसकी यादि जल्दी जिसके बाद वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ा जाते हुए सैम उस बुढ़े जोबी को भी आजाद कर देता है जिसे कई महीनों से उसने लिफ्ट में बंद करके रखा हुआ था आजाद होता है बुढ़ा जोबी सैम भी पीछे आता है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता सैम बुढ़े जोबी को एक कमरे में छोड़ कर उफान का दरवाजा बंद कर देता है और वो जैसी बिल्डिंग ऐसी भी पहनने वाला था यहाँ पर फायर इनाम बचने लगता है जो दरअसल उनकी वजह से बज रहा था इसी वजह ऐसी वहाँ पर सारी यहाँ तक की इमरजेंसी दरवाजे भी खुल गई और बहुत बड़ी तादाद में सो अंदर आना शुरू हो जाती है तो अब सैम के पीछे पड़ती खुद को एक जगह पर जाकर छुपा लिया सैर मन पर रहा था लेकिन इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं था क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी और अब से मा से भागकर एक लिफ्ट में आ जाता है और यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी वो अपने हाथ अंदर डालकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और अब वो यहाँ पर बुरी तरह फंस गया था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था की अब मैं क्या करो यहाँ से कैसे भागू लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर जाती है जहाँ पर उसे एक रास्ता दिखता है और अब वो चिड़कर ऊपर दिया उस रास्ते की तरफ नहीं लगता है इस रास्ते से वो ऊपर बड़े फ्लोर पर आ जाता है जहाँ पर भी बहुत सारे जो लेकिन यहाँ पर डुआ था जिस वजह से वो सैम को नहीं देख पाती और आखिर वो छत पर आ ही जाता है और एक जॉम्बी वहाँ पर आ जाता है अब इससे पहले वो सैम पर पहुंचता रस्सी बांध दी और सामने वाली बिल्डिंग पर कर दूसरे सिरे को वहाँ अटका दिया जिसके बाद वो रस्सी से कूद कर दूसरी साइड पर जाने लगता है लेकिन क्योंकि वो दीवार से टकरा गया था तो वही पर वह भी होश हो जाता है थोड़ी देर बाद जब उसे होश तो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है यहाँ आकर वो देखता है की शेर खानी सुनसान पड़ा हुआ है ये जगह अब उसके लिए किसी जहनुम से कम नहीं थी और अब उसे जैसी तैसी इन सॉम्बिस की बीस जहनुम इतने जिंदगी को थी वो बेचारा काफी दुखी मायूस नजर आ रहा था और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही बर खत्म हो जाती है